हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने कास्टिंग डिफेक्ट स्टार्ट किया था। उसमें वो चैप्टर को या वो लेक्चर को हमने नाम दिया था कास्टिंग डिफेक्ट्स पार्ट वन। टुडे वी विल कंटिन्यू एज ए कास्टिंग डिफेक्ट पार्ट टू। जैसे मैंने रिफ़र किया था कि डिफेक्ट्स क्या होता है, तो डिफेक्ट कास्टिंग डिफेक्ट इज एन अनवांटेड इरेगुलरिटीज दैट अपीयर इन द कास्टिंग ड्यूरिंग द मेटल कास्टिंग प्रोसेस। उसके क्या क्या कारण थे वो भी हमने डिस्कस किए थे। सो वी विल नॉट रिपीटिंग दिस अगेन। सो ये जो कास्टिंग डिफेक्ट्स है उसको हमने पांच डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज किया था। हमने लास्ट लेक्चर में दो कैटेगरी मतलब गैस पोरोसिटी के कारण जो जो डिफेक्ट्स आती है, जैसे ब्लो होल्स एंड पिन होल्स, वो डिस्कस किए थे। श्रिंकेज डिफेक्ट्स में श्रिंकेज कैविटी कैसे होता है वो भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। सो टुडे वी विल डिस्कस कैटेगरी नंबर 3, 4 एंड 5, दैट इज मोल्ड मटेरियल डिफेक्ट, पोरिंग मेटल डिफेक्ट्स एंड मेटलर्जिकल डिफेक्ट्स। सो मोल्ड मटेरियल डिफेक्ट्स, मोल्ड मटेरियल डिफेक्ट्स मतलब मोल्डिंग बनाने में, मोल्ड बनाने में जो भी मटेरियल हम यूज़ करते हैं उसके कारण जो जो डिफेक्ट्स आता है उसको हम मोल्ड मटेरियल डिफेक्ट्स बोलते हैं। उसमें एक टाइप है स्वेल डिफेक्ट। इट इज़ द एनलार्जमेंट ऑफ द मोल्ड कैविटी बिकॉज ऑफ द मोल्टन मेटल प्रेशर विच रिजल्ट्स इन द ओवरऑल और एनलार्जमेंट ऑफ द कास्टिंग। उसमें क्या होता है कि जैसे आप कैविटी में मतलब मोल्ड कैविटी में आप मोल्टन मेटल पोर करते हैं तो उसका प्रेशर और टर्बुलेंस फोर्स के कारण वो डैमेज होता है कैविटी और वो बड़ा हो जाता है। जैसे आपका कैविटी 100 मिलीमीटर बाय 100 मिलीमीटर का है, लेकिन जैसे आप मोल्ड का मोल्टन मेटल पोर करेंगे तो वो कैविटी का साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि हर जगह पे चारों कोने में 2-2 mm, 5-5 mm बड़ा होगा। हो सकता है कोई एक जगह पे 2 mm बड़ा हो गया, कोई एक जगह पे ज़्यादा फोर्स लगा तो 3 mm हो गया, कोई एक जगह पे नहीं भी हुआ। तो ये जो डिफेक्ट होता है उसको आप स्वेल डिफेक्ट बोलते हैं। उसका कारण क्या है? डिफेक्टिव और इम्प्रॉपर रेमिंग ऑफ द मोल्ड। उसमें क्या होता है, जो हमने एक डिफेक्ट देखा था ब्लो होल्स या पिन होल्स, उसमें हम ज़्यादा रैमिंग कर देते हैं तो गैस निकलने की जगह नहीं होती है, तो उसके कारण डिफेक्ट होता है। और ये डिफेक्ट क्यों आता है कि हमने बहुत कम रैमिंग किया हुआ है, मतलब उसको जो टिपना होता है वो ज़्यादा अच्छी तरह से हमने नहीं किया है, तो उसका कारण ये है कि उसके कारण जो उसमें स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रेंथ कम होती है, तो उसके कारण ये स्वेल डिफेक्ट जनरेट होता है। तो उसका रेमेडी क्या है? द सैंड शुड बी रैम प्रॉपरली एंड इवनली। कोई एक जगह पे हमने ज़्यादा कर दिया, कोई एक जगह पे कम कर दिया रैमिंग, वो नहीं होना चाहिए। इवनली हर एक जगह पे सेम या सफिशिएंट होना चाहिए। उसको आप फिगर में देखेंगे तो कैसा दिखता है, जैसे डॉटेड लाइन जो मैंने दिखाया है वो हमारा एक्चुअल डायमेंशन, हमको वो चाहिए वो था, लेकिन बना क्या, बाहर का रेगुलर जो लाइन है उसमें बना, तो ये ज़्यादा मटेरियल आपका उसमें गया। उसके कारण क्या होगा कि आप जब ये कास्टिंग बाहर निकालेंगे और यूज़ में जाएंगे तो आप यूज़ नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल यू हैव टू मेक इट अप टू आवर डिज़ायर डायमेंशन। तो आपको उसमें एक्सेसिव मशीनिंग करना पड़ेगा और मटेरियल लॉस भी होगा और उसका कॉस्टिंग आपको बढ़ जाएगा। तो ये स्वेल डिफेक्ट है। नेक्स्ट वन इज़ द ड्रॉप डिफेक्ट। ड्रॉप डिफेक्ट क्या होता है? ड्रॉप डिफेक्ट अकर्स व्हेन देयर इज ए क्रैकिंग ऑन द अपर सरफेस ऑफ द सैंड एंड सैंड पीसेस फॉल इन द मोल्टन मेटल। जो आपका कैविटी है उसका अपर जो पार्ट है, जब आप मोल्टन मेटल पोर करेंगे तो वो क्रैक हो जाता है और वो जो भाग है, वो जो टूटा हुआ जो सैंड है, वो आपका कैविटी के अंदर आ जाता है, उसको आप ड्रॉप डिफेक्ट बोलते हैं। उसके कॉजेज क्या है? तो सॉफ्ट रैमिंग एंड लो स्ट्रेंथ ऑफ सैंड। आपने रैमिंग सफिशिएंट नहीं किया है और सैंड का स्ट्रेंथ भी अच्छा नहीं है। सेकंड वन, इनसफिशिएंट फ्लक्सिंग ऑफ मोल्टन मेटल। फ्लक्सिंग क्या करता है कि उसमें जो स्लैग आता है वो उसको अंदर डाल देता है। तो अगर आपने फ्लक्सिंग ठीक से नहीं किया है
जैसे आप जो दूध के ऊपर जो हम बोलते हैं ना कि तरी या तौर बोलते हैं, इसी तरह से मोल्टन मेटल के टॉप भाग में भी उसका जो इम्प्योरिटीज़ होता है वो फ्लॉट होता है। अभी जब आप मोल्टन मेटल पोर करेंगे, अगर वो भाग आपका जो इम्प्योरिटीज़ वाला भाग अगर वो कैविटी में जाता है तो उसका प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उसके कारण उसका सरफेस वो तोड़ देता है। तो फ्लक्सिंग मीन्स एडिशन ऑफ ए सब्सटेंस इन मोल्टन मेटल टू रिमूव द इम्प्योरिटीज। आफ्टर फ्लक्सिंग द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द मोल्टन मेटल कैन बी इजीली रिमूव। एंड थर्ड कॉज उसका क्या है, इनसफिशेंट रेनफोर्समेंट ऑफ सैंड प्रोजेक्शन इन द कोप। जो ड्रैग एंड कोप मतलब टॉप वाला जो मोल्ड है उसमें आपको सैंड का प्रोजेक्शन आपने ठीक तरह से नहीं किया है, तभी भी ये डिफेक्ट आने का चांसेस होता है। उसके रेमेडीज़ क्या है, तो रेमेडीज़ सैंड ऑफ हाई स्ट्रेंथ शुड बी यूज विथ प्रॉपर रैमिंग, मतलब उसका स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए और रैमिंग सफिशेंट होना चाहिए। देयर शुड बी प्रॉपर फ्लक्सिंग ऑफ मोल्टन मेटल, मतलब मोल्टन मेटल है उसमें जो टॉप में जो इम्प्योरिटीज है वो फ्लक्सिंग से दूर करनी चाहिए। एंड सफिशियंट रेनफोर्समेंट ऑफ द सैंड प्रोजेक्शन इन द कॉप, कॉप वाला जो भाग है उसका जो प्रोजेक्शन है आपको उसको रेनफोर्समेंट मतलब उसको ठीक तरह से आपको सॉलिड बनाना है, सो दैट आप मोल्टन मेटल पोर करें तो वो भाग टूट के कैविटी के अंदर न जाए। वो दिखता कैसा है, सो दिस इज द फिगर ऑफ ड्रॉप। नेक्स्ट वन इज द मोल्ड मेटल मटेरियल में मेटल पेनिट्रेशन। दिस कास्टिंग डिफेक्ट्स अपीयर एज एन अनइवन एंड रफ सरफेस ऑफ द कास्टिंग। ये जो कास्टिंग का जो टॉप सरफेस मेनली होता है वो अनइवन और रफ होता है। व्हेन द साइज ऑफ सैंड ग्रेन्स इज लार्ज द मोल्टन फ्यूजेस इन द सैंड एंड सॉलिडिफाइज Giving us metal penetration defect. फिर से मैं रिपीट करता हूँ, दिस कास्टिंग डिफेक्ट्स अपीयर एज एन अनइवन एंड रफ सरफेस ऑफ द कास्टिंग। जो कास्टिंग का सरफेस होता है वो अनइवन और रफ मिलता है। When the size of sand grains is large, ये उसका एक रीज़न है कि जो सैंड का ग्रेन साइज आपने जो लेना चाहिए उससे थोड़ा बड़ा लिया हुआ है तो क्या होगा, द मोल्टन फ्यूजेस इन टू द सैंड एंड सॉलिडिफाइज गिव्स अ मेटल पेनिट्रेशन डिफेक्ट। उसके कॉजेज क्या होता है, तो कॉजेज है इट इज कॉज ड्यू टू लो स्ट्रेंथ लार्ज ग्रेन साइज हाई परमेबिलिटी एंड सॉफ्ट रैमिंग ऑफ सैंड। चार मतलब ग्रेन साइज आपका बड़ा है, उसका परमेबिलिटी ज़्यादा है, रैमिंग आपने ठीक तरह से नहीं किया है, तभी ये होता है। बिकॉज ऑफ दिस मोल्टन मेटल पेनिट्रेट्स इन द मोल्डिंग सैंड, मतलब मोल्टन मेटल है वो मोल्डिंग सैंड के अंदर चला जाता है एंड वी गेट रफ एंड अनइवन कास्टिंग सरफेस। उसके रेमिडीज क्या है, मतलब उसका उपचार क्या है, तो दिस डिफेक्ट्स कैन बी एलिमिनेटेड बाय यूजिंग हाई स्ट्रेंथ स्मॉल ग्रेन साइज एंड लो परमेबिलिटी एंड सॉफ्ट रैमिंग ऑफ द सैंड। ये उसके उपचार है, ये उसका फिगर है कि फर्श सरफेस के ऊपर वाला भाग उसमें क्या होता है, ये आप सिंपल रबिंग आपका जो पेपर होता है एमरी पेपर होता है ये एकदम सॉफ्ट होता है, आप उसके ऊपर रब करेंगे तभी भी ये मेटल का जो पेनिट्रेशन है वो आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द पोरिंग मेटल डिफेक्ट्स, उसका पार्ट वन कोल्ड शट डिफेक्ट। इट इज ए टाइप ऑफ सरफेस डिफेक्ट्स एंड ए लाइन ऑन द सरफेस कैन बी सीन। व्हेन द मोल्टन मेटल एंटर्स इन द मोल्ड फ्रॉम टू गेट्स एंड व्हेन दिस टू स्ट्रीम्स ऑफ द मोल्टन मेटल मीट एट ए जंक्शन विथ लो टेम्परेचर देन दे डू नॉट फ्यूज विथ ईच अदर एंड सॉलिडिफाइज क्रिएटिंग ए कोल्ड शट। मतलब आप मोल्टन मेटल पोर करते हो तो हो सकता है कि उसके बोरिंग का जो होता है वो तो एक जगह से होता है, लेकिन अगर वो कैविटी में
दो अलग अलग गेट से पहुंचता है तो क्या होता है कि वो एक गेट से जाता है और दूसरा दूसरा गेट से जाता है, तो दोनों मेटल को एक जगह पे मिलते हैं। अब जब वो मिलते हैं वो एक सफिशेंट टेम्परेचर पे मिलने चाहिए, लेकिन उससे कम टेम्परेचर में मिलते हैं तो वो दोनों इकट्ठे तो हो जाएंगे लेकिन वहाँ पे एक आपको पार्टिंग लाइन देखेगी, उसको आप कोल्ड शॉट डिफेक्ट बोलते हैं। आप उसका फिगर देखेंगे तो उसमें आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। उसके कॉजेज क्या क्या है, तो पुअर गेटिंग सिस्टम। पुअर गेटिंग सिस्टम मतलब कि आप जो गेट बनाया हुआ है मेटल पोर करने के लिए या मेटल को पास आउट होने के लिए, वो सिस्टम आपने अच्छी तरह से नहीं बनाया है। लो मेल्टिंग टेम्परेचर, अगर पोर करते टाइम आपका मेटल का टेम्परेचर कम हो गया है या उसका आपने जो मेल्ट किया है वो भी लो टेम्परेचर पे किया है, तभी भी ये हो सकता है। एंड लैक ऑफ फ्लूडिटी, फ्लूडी मतलब आप गेट में से जो मेटल पसार होता है वो जो स्पीड में पसार होना चाहिए वो स्पीड से नहीं जाता है, दैट इज़ नोन एज द लैक ऑफ द फ्लूडिटी। उसके उपचार मतलब रेमिडीज क्या है, तो इम्प्रूव्ड गेटिंग सिस्टम, आपको गेटिंग सिस्टम है वो उसमें आपको सुधार करना चाहिए और टेम्परेचर जो पोरिंग टेम्परेचर है वो प्रॉपर रखना चाहिए। जैसे ये कोल्ड शट का जो फिगर है, तो जो कोल्ड शट या एरो है वहाँ पे एक लाइन है, वो एक लेफ्ट साइड से गया हुआ है और एक राइट साइड के गेट से गया हुआ है, लेकिन दोनों मिले तो है लेकिन जो उसका टेम्परेचर होना चाहिए वो टेम्परेचर पे उसका सॉलिडिफाई नहीं हुआ है। सो ये आपको दिखता है क्रैक, लेकिन वो क्रैक नहीं होता है। सॉरी, नेक्स्ट वन इज द मिश्रण। When the molten metal solidifies before completely filling the mold cavity and leaves a space in the mold called the मिश्रण। Molten metal आप cavity में जहाँ जहाँ जो भी cavity है वहाँ पूरा जाना चाहिए, लेकिन क्या होगा कि जाने से पहले ही कोई एक जगह पे वो solidify हो जाएगा। अगर वहाँ पे solidify हो गया तो वहाँ से आगे वो molten metal को जाने नहीं देगा, उसको आप मिश्रण बोलते हैं। उसका कॉजेस क्या है, तो लो फ्लूडिटी ऑफ द मोल्टन मेटल, जो उसका जो फ्लो होना चाहिए वो फ्लो सफिशिएंट नहीं है। लो टेम्परेचर ऑफ द मोल्टन मेटल विच डिक्रीजेस इट्स फ्लूडिटी, अगर जब आप पोरिंग करते तभी भी आपका मोल्टन मेटल का टेम्परेचर लो है उसके कारण भी उसका फ्लूडिटी कम होता है। एंड टू थिन सेक्शन एंड इम्प्रॉपर गेटिंग सिस्टम, जो सेक्शन है वो एकदम पतला है, वहाँ पे आपने चिल नहीं लगाया हुआ है या सफिशेंट चिल आपको ज़रूरत नहीं है तो भी आपने लगा दिया है तो वो सॉलिडिफाई उसका जल्दी से स्टार्ट कर देता है। उसके रेमिडीज क्या है, मतलब उसके उपचार क्या है, इंक्रीजिंग द पोरिंग टेम्परेचर ऑफ द मोल्टन मेटल इंक्रीज द फ्लूडिटी, जो मोल्टन मेटल है आपको उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा सो दैट उसका फ्लूडिटी मतलब उसका फ्लो का रेट भी आप बढ़ा सकेंगे। प्रॉपर गेटिंग सिस्टम आपको डिज़ाइन करनी पड़ेगी और जो जो एकदम ज़्यादा थिन सेक्शन है वो आपको अवॉइड करने चाहिए। ये आप फिगर में देखें तो कैसा दिखता है, जैसे बॉटम वाला पार्ट है वहाँ पे मेटल पहुँचा ही नहीं है, जो आपका ऑरेंज पार्ट है वहाँ तक वो सॉलिडिफाई हो गया, तो जो आगे का जो वाइट पार्ट है वहाँ पे मेटल नहीं पहुँचा है उसको आप मिश्रण बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज द पोरिंग मेटल डिफेक्ट। पोरिंग मेटल डिफेक्ट्स में क्या है, नंबर वन स्लैग इंक्लूजन। स्लैग मतलब जो मोल्टन मेटल आपने मेल्ट किया हुआ है उसके ऊपर उसके जो इम्प्यूरिटीज है उसको आप स्लैग बोलेंगे। दिस डिफेक्ट इज कॉज व्हेन द मोल्टन मेटल कंटेनिंग स्लैग पार्टिकल्स इन पोर इन द मोल्ड कैविटी एंड इट गेट्स सॉलिडिफाई। अगर ये फ्लक्सिंग आपने नहीं किया है और स्लैग नहीं निकाला है तो आप मेट कैविटी में मोल्टन मेटल के साथ स्लैग भी जाएगा और डेफिनेट उसके बाद में अल्टीमेटली क्या होगा, जो कास्ट बनाएंगे उसमें भी वो इम्प्योरिटीज जाएगी, बराबर। तो उसके कारण क्या है, द प्रेजेंस ऑफ स्लैग इन द मोल्टन मेटल, दैट इज द कॉज। एंड उपचार क्या है, वी हैव टू रिमूव दैट स्लैग पार्टिकल्स फ्रॉम द मोल्टन मेटल बिफोर पोरिंग इन टू द मोल्ड कैविटी,
मोल्ड कैविटी में वो मोल्टन मेटल स्लैग वाला है वो डालने से पहले आपको उसको निकालना पड़ेगा, दैट इज़ द रेमेडीज। ये आप देखें तो फिगर में ऐसा दिखता है कि कास्टिंग किया हुआ है, लेकिन बीच बीच में ये ऐसा नहीं है कि सरफेस के ऊपर ही दिखता है, आप उसको काटेंगे क्रॉस सेक्शन में तो बीच में भी आपको ये इंक्लूजन आपको दिखता है, दैट इज़ नोन एज द स्लैग इंक्लूजन। नेक्स्ट कैटेगरी इज द हॉट टीयर्स और हॉट क्रैक्स। व्हेन द मेटल इज हॉट इट इज वीक एंड द रेसिडुअल स्ट्रेसेस टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरली इन द मटेरियल कॉजेज द कास्टिंग फेल एज द मोल्टन मेटल कूल्स डाउन। द फेलियर ऑफ कास्टिंग इन दिस केस इज लुक्स लाइक क्रैक्स एंड कॉल एज अ हॉट टीयर्स और हॉट क्रैक्स। आप उसका फिगर देखेंगे तो आपको उसमें ज़्यादा पता चलेगा उसके कॉजेस क्या है, तो इम्प्रॉपर मोल्ड डिज़ाइन ये उसका कॉज है। रेमिडीज क्या है, प्रॉपर मोल्ड डिज़ाइन कैन ईजीली एलिमिनेट दिस टाइप ऑफ कास्टिंग डिफेक्ट्स एंड एलिमिनेशन ऑफ रेसिडुअल स्ट्रेस फ्रॉम द मटेरियल ऑफ द कास्टिंग, ये दो उसके उपचार है। ये आप देखेंगे तो सरफेस के ऊपर आपको छोटे छोटे हॉट टीयर्स या क्रैक्स दिखते, दैट इज नोन एज द क्रैक्स और हॉट टीयर्स। नेक्स्ट वन इज द हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट क्या होता है, हॉट स्पॉट डिफेक्ट अकर्स व्हेन एन एरिया ऑन द कास्टिंग कूल्स मोर रैपिडली देन द सराउंडिंग मटेरियल। जो सराउंडिंग मटेरियल है लेकिन कोई एक एरिया पे उसका सॉलिडिफिकेशन बहुत फास्ट होता है। हॉट स्पॉट्स आर एरियाज ऑन द कास्टिंग इज हार्डर देन द सराउंडिंग एरिया, इट इज कॉल्ड द हार्ड स्पॉट। मतलब जहाँ पे उसका सॉलिडिफिकेशन बहुत फास्ट हो गया है वो एरिया को आप हार्ड स्पॉट्स बोलते हैं। उसका कॉजेस मतलब उसके कारण क्या है, द रैपिड कूलिंग एंड एरिया ऑफ द कास्टिंग देन द सराउंडिंग मटेरियल कॉजेज दिस डिफेक्ट। मतलब कोई एक जगह पे आपका जो उसका जो कूलिंग है वो बहुत फास्ट हो जाता है। और उसके उपचार क्या है, दिस डिफेक्ट्स कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग प्रॉपर कूलिंग प्रैक्टिस। जो आपका कूलिंग होना चाहिए वो यूनिफॉर्म कूलिंग आपकी कैविटी में हर जगह पे होना चाहिए बाय चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मेटल। बहुत सारे ये जो हॉटस्पॉट्स इसी कारण भी बनते हैं कि अगर आपका केमिकल कंपोजिशन ठीक नहीं है लेकिन आपको उसका केमिकल कंपोजिशन आप चेंज करेंगे तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, ओनली वन क्वेश्चन, यू हैव टू एक्सप्लेन द मोल्ड मटेरियल डिफेक्ट्स स्वेल मेटल पेनिट्रेशन मिश्रण सेंस इंक्लूजन एंड हॉट टीयर डिफेक्ट्स विथ इट्स कॉजेज रेमिडीज एंड स्केच, दैट इज द क्वेश्चन यू हैव टू एक्सप्लेन एंड राइट। थैंक यू।